good morning students I'm Ram your English teacher today I'm going to teach you second lesson a fellow traveler from the prose. as you know that I had taught the first half of this lesson in my first video and today I shall complete this lesson in this e in this audio so student um, let's complete this lesson and let's start <coughs> इट वॉज ऑल इन वेन मेरे मॉस्किटो को मारने के सारे प्रयास व्यर्थ चले गए यानी राइटर बता रहा कि It was all in vain. मेरे सारे प्रयास व्यर्थ हो गए। प्लेड विद मी वो मेरे साथ खेल रहा था ओपनली खुलकर ऑस्टेंटियसली पूरा दिखावे के साथ दिखावा करके लाइक ए स्किलफुल मेटाडोर एक कुशल मेटाडोर की भांति फाइनेंसिंग कर्तव्य दिखाने वाला राउंड एंड इनफ्यूरिएटेड बुल एक उग्र बुल के चारों तरफ कर्तब दिखाने वाले एक कुशल मेटाडोर की तरह वो मेरे साथ खुलकर खेल रहा था मेटाडोर मीन होता है बुल फाइट इट वॉज ओब्वियस ये स्पष्ट था दैट की ही वॉज इंजॉयिंग हिमसेल्फ खुद इंजॉय ले कर रहा था वो खुद आनंद ले रहा था दैट की इट वॉज फॉर दिस ऐसा इस चीज़ से स्पष्ट हो जाता है कि ही है डिस्टर्ब्ड माई रिपोज रिपोज मतलब पीस उसने मेरी शांति को भंग कर दिया था ही वॉन्टेड अ लिटिल स्पोर्ट वो थोड़ा और खेलना चाहता था एंड वॉट स्पोर्ट लाइक बींग चेस्ड बाय दिस ह्यूज लंबरिंग विंडमिल ऑफ ए क्रिएचर एंड वॉट स्पोर्ट और क्या खेल हो सकता था बाय दिस ह्यूज इस विशाल भारी भरकम पवन चक्की जैसे प्राणी द्वारा पीछा किए जाने से बेहतर क्या खेल हो सकता था हु टेस्टेड सो गुड जिसका टेस्ट इतना अच्छा था एंड सीम्ड जो लगता था सो so हेल्पलेस इतना असहाय लगता था एंड स्टूबिड इतना स्टूबिड लगता था आई बिगेन टू एंटर इन टू द स्प्रिट ऑफ द फेलो मैंने भी उस फेलो की मतलब अपने साथी की स्प्रिट को समझ कर उसमें इंटरेस्ट लेना शुरू कर दिया मैंने भी उसकी भावना को समझ कर उसमें आनंद लेना शुरू कर दिया ही वॉज सिर्फ एक इंसेक्ट नहीं रह गया था वॉज नो लॉन्गर मेर इंसेक्ट मेरे लिए सिर्फ एक इंसेक्ट नहीं रह गया था वॉज डेवलपिंग पर्सनैलिटी में डेवलप हो रहा था मतलब एक व्यक्ति के रूप में डेवलप हो रहा था सॉरी इंटू ए पर्सनैलिटी एन इंटेलिजेंस और एक इंटेलिजेंस व्यक्ति एक बुद्धिमान व्यक्ति के रूप में दैट चैलेंज जो चैलेंज कर रहा था द पजस्सन स्वामित्व पर ऑफ दिस कंपार्टमेंट इस कंपार्टमेंट के स्वामित्व पर मेरे साथ दावा कर रहा था विद मी मेरे साथ ऑन इक्वल टर्म्स बराबरी का दावा कर रहा था जो इस डब्बे के स्वामित्व पर मेरे साथ बराबरी का दावा कर रहा था आई फेल्ट मैंने महसूस किया माई हार्ट अपने हार्ट को वार्मिंग वार्म warm महसूस किया टू हिम उसके प्रति थोड़ा नरम महसूस किया एंड द सेंस ऑफ सेंस ऑफ सुपुरटी श्रेष्ठता की भावना फेडिंग वो फेड हो गई थी हाउ कुड आई फील सुपीरियर टू ए करिएचर मैं एक ऐसे जीव से अपने आप को सुपीरियर कैसे मैं समझ सकता था हुर सो मैनिफेस्टली जो इतनी मैनीफेस्टली जो इतने क्लियरली माई मास्टर मेरा गुरु बन गया था जो क्लियरली मेरा गुरु बन गया था इन द ओनली कंपटीशन उस एकमात्र कंपटीशन में इन विच जिसमें वी हैड एवर इंगेज जिसमें हम कभी इंगेज थे वाई नॉट बी मैग्निम हाउस अगेन तो फिर मैं उदार क्यों ना हूँ मैग्निमिटी एंड मर्सी उदारता और दया वर मीन्स हैं द नोबलेस्ट no, uh, सबसे नोबल सबसे उदार सबसे श्रेष्ठ एट्रीब्यूट मीन्स क्वालिटीज गुण हैं ऑफ़ मैन मनुष्य के इन द एक्सरसाइज ऑफ दीज हाई क्वालिटीज इन उच्च क्वालिटीज का प्रयोग करके आई कुड रिकवर मैं पुनः प्राप्त कर सकता हूँ माई प्रेस्टिज अपने सम्मान को एट प्रेजेंट वर्तमान में आई वॉज ए रेडिकुलरस फिगर मैं एक हंसी का पात्र था ए थिंग फॉर लाफ्टर हंसी की एक वस्तु एंड डेरिजन तिरस्कार की बाई बींग मर्सीफुल दयालु होकर के आई कुड रीअसर्ट मैं पुनः प्राप्त कर सकता हूँ द मॉरल डिग्निटी मॉरल सम्मान को नैतिक सम्मान को ऑफ ए मैन एक व्यक्ति के एंड गो बैक वापस जा सकता हूँ टू माई कॉर्नर अपने कोने की सीट पर विद ऑनर पूरे ऑनर के साथ सम्मान के साथ आई विदड्रॉ द सेंटेंस ऑफ डेथ आई विदड्रॉ द सेंटेंस ऑफ डेथ मैं मृत्युदंड को वापस लेता हूँ आई सेड मैंने कहा रिटर्निंग लौटते हुए टू माई सीट अपनी सीट पर आई कैन नॉट किल यू मैं तुम्हें मार नहीं सकता हूँ बट आई कैन रिप्रीव्यू मैं तुम्हारी सजा को स्थगित करता हूँ टालता हूँ एंड आई डू इट और मैं ऐसा करता हूँ उसे कहने का मतलब है <coughs> मतलब था कि मैं तुम्हें मार नहीं सकता हूँ लेकिन मैं तुम्हारी सजा को मतलब स्थगित कर रहा हूँ और मेरा ये वादा है कि मैं मतलब मैं ऐसा करता हूँ आई टुक माई पेपर मैंने अपना पेपर लिया ही केम वो आया एंड सेट बैठ गया ऑन इट इस पर फुलज फैलो मूर्ख व्यक्ति आई सेड मैंने कहा यू हैव डिलीवर्ड योर सेल्फ तुमने सौंप दिया है अपने आप को इन टू माई हैंड्स मेरे हाथों में आई हैव बट टू गिव दिस रिस्पेक्टेबल और रिस्पेक्टेबल वीकली ऑर्गन ऑफ ओपिनियन ए स्मैक ऑन बोथ द कवर्स टू गिव देने पर दिसरिस्पेक्टेबल वीकली ऑर्गन ऑफ ओपिनियन विचारो की इस सम्मानित साप्ताहिक पत्रिका को दोनों कवर से जोर से एक झटके के साथ बंद करने पर स्मैक करने पर यू आर ए कॉर्प्स तुम एक सब बन जाओगे नीटली साफ तौर पर एक सैंडविच बन जाओगे बिट्वीन भिज करके एन आर्टिकल लेख के बीच में ऑन पी स्टैप्स पी स्टैप एंड अनदर ऑन द मोडस्टी ऑफ मिस्टर ह्यूग मोडेस्टी ऑफ मिस्टर ह्यूग और पी स्टेप नाम के इन दो आर्टिकल के बीच में भिज करके तुम साफ तौर पर एक सैंडविच बन जाओगे बट आई सेल नोट डू इट लेकिन मैं ऐसा करूंगा नहीं आई हैव रिप्रीव्ड यू मैंने तुम्हारी रिप्राइव्ड यू मैंने तुम्हारी सजा को कुछ समय के लिए स्थगित कर दिया है एंड आई विल सेटिस्फाई यू आई विल सेटिस्फाई यू आई विल सेटिस्फाई यू मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूँ that की वैन दिस लार्ज एनिमल सेज ए थिंग जब यह विशाल एनिमल विशाल प्राणी कोई बात कहता है तो ही means it. वो उसे करके भी दिखाता है मोर ओवर इसके अलावा आई नो no longer डिज़ायर टू किल यू मेरी अब तुम्हें मारने की इच्छा भी नहीं है थ्रो नोइंग यू बेटर तुम्हें अच्छे से जान करके आई हैव कम टू फील सेलाई से मैं ये कहूँगा कि आई हैव कम टू फील ए सॉर्ट ऑफ अफेक्शन फॉर यू तुम्हारे प्रति मुझे एक प्रकार का अफेक्शन लगाव हो गया है आई फैंसी मैं मानता हूँ सपोज दैट कि सेंट फ्रांसिस वुड हैव कॉल्ड यू लिटिल ब्रदर कि सेंट फ्रांसिस भी तुम एक छोटा भाई ही कहते आई कैन नॉट गो मैं नहीं जा सकता सो फार एज इससे अधिक दैट इन क्रिश्चन चैरिटी एंड सिविलिटी क्रिश्चियन चैरिटी एंड सिविलिटी यानी ईसाई शिष्टता और मतलब ईसाई उदारता और शिष्टता में मैं इससे आगे नहीं जा सकता बट आई रिकोगनाइज मैं मानता हूँ ए मोर डिस्टेंट रिलेशन एक दूर का संबंध मानता हूँ फॉर्चून हैज़ मेड अस फेलो ट्रेवलर किस्मत ने हमें फेलो ट्रेवलर सहयात्री बना दिया है ऑन दिस कमर ऑन दिस समर नाइट इस गर्मियों की रात में किस्मत ने हमें सहयात्री बना दिया है आई हैव इंटरेस्टेड यू मैं तुम्हें रोचक लगा हूँ एंड यू हैव मी तुमने भी मेरा मनोरंजन किया है द ऑब्लीज ऑब्लिगेशन इज म्यूचुअल एहसान म्यूचुअल है मतलब जो एहसान है वो दोनों तरफ से परस्पर है बराबर है म्यूचुअल है एंड इट इज़ फाउंडेड ये आधारित है ऑन द फंडामेंटल फैक्ट इस मौलिक तथ्य पर आधारित है दैट की वी आर फेलो मॉटल्स हम दोनों ही मतलब सह नस्वर प्राणी है मेरेकल्स ऑफ लाइफ इज अवर्स इन कॉमन हमारे जीवन का जो चमत्कार है रहस्य है वो एकदम समान है कॉमन है एंड इट्स मिट्स मिस्ट्री टू और इसका रहस्य भी है आई सपोज मैं मानता हूँ कि यू डोंट नो तुम नहीं जानते हो एनी कुछ भी अबाउट योर जर्नी मैं मानता हूँ कि तुम अपनी जर्नी अपनी जीवन यात्रा के बारे में कुछ भी निश्चित नहीं जानते हो एंड आई एम नॉट श्योर और मुझे भी पूरा यकीन मैं भी श्योर नहीं हूँ दैट कि आई नो मैं जानता हूँ मच अबाउट माइन कि मैं अपनी वाली जीवन यात्रा अपनी जीवन यात्रा के बारे में अधिक जानता हूँ वी आर रियली हम सच में अब देखेंगे वैन यू कम टू थिंक ऑफ इट जब आप इस बारे में सोचो तो हम काफ़ी हद तक वी आर रियली अ गुड गुड डील अलाइक गुड डील मीन्स काफ़ी हद तक अलाइक एक जैसे हैं जस्ट अपेरिसंस हैं कुछ प्रेतात्माएं छायाएं वगैरह हैं अब यहाँ लेखक जो थोड़ा अंधविश्वासी ही हो गया है जस्ट अपेरिसंस देट आर कुछ छायाएं हैं प्रेतात्माएं हैं जो हैं एंड देन आर नॉट और नहीं भी हैं कमिंग आउट ऑफ द नाइट कमिंग आउट ऑफ द नाइट रात से बाहर आती हुई दिखती हैं मतलब रात से रात के अंधेरे से प्रकाशित डब्बे में आती हुई दिखती हैं और कुछ समय के लिए बाहर जाती है फ्लटरिंग मंडराते हुए अबाउट द लैंप लैम्प के चारों तरफ ठीक है एंड ए एवाइल कुछ देर कुछ देर तक एंड गोइंग आउट और बाहर जाते हुए इन टू द नाइट अगेन रात के अंधेरे में वापस बाहर जाते हुए दिखती हैं पर है शायद गोइंग ऑन टू नाइट सर श्रीमान जी क्या आज आप आगे जा रहे हो सेट मींस कहा वॉइस एक आवाज़ ने एट द विंडो खिड़की पर खिड़की पर एक व्यक्ति ने मुझसे कहा श्रीमान जी क्या आज आप आगे जा रहे हो इट वॉज़ ये था ए फ्रेंडली पोर्टर था फ्रेंड के जैसा बर्ताव करने वाला बिहेव करने वाला एक कुली था गिविंग जो दे रहा था मी मुझे ए हिंट एक इशारा दे रहा था दैट कि दिस वॉज माई स्टेशन कि मेरा स्टेशन है कि मेरा स्टेशन आ गया है आई थैंक हिम मैंने उसे धन्यवाद दिया एंड सैट और कहा आई मस्ट हैव बीन डोजिंग कि मुझे झपकी आ गई होगी मुझे नींद आ गई होगी झपकी लग गई होगी एंड सीजिंग माई हैट अपना हैट लेकर के एंड स्टिक अपनी छड़ी उठा करके आई वेंट आउट इंटू द कूल समर नाइट वेंट आउट मैं बाहर चला गया इंटू द कूल उस ठंडी गर्मी की रात में मैं बाहर आ गया एज जैसे ही आई क्लोज मैंने बंद किया द डोर ऑफ द कंपार्टमेंट अपने डब्बे के दरवाजे को बंद किया आई सा मैंने देखा माई फेलो ट्रैवलर अपने सहयात्री को ट्रैवलिंग यात्रा करते हुए अपने सहयात्री को फ्लैटरिंग मंडराते हुए राउंड द लैम्प लैम के चारों तरफ मंडराते हुए सो स्टूडेंट्स वी हैव कंप्लीटेड द लेसन नाउ यू हैव टू रीड दिस लेसन अगेन एंड अगेन आई विल गिव यू सम इम्पॉर्टेंट एक्सप्लेनेशन थैंक यू वेरी मच